जय माँ अम्बे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। ये बहुत ही खूबसूरत आज पल है कि मुझे ये मौका मिला इस खूबसूरत से गाने में बजा बजा डोल बजा में फीचर करने का मौका मिला। मेरा पहला प्यार राज गरबा है, नवरात्रि है, जिसमें मैंने 18 टाइटल जीते हैं और इसलिए मुझे डांसिंग क्वीन ऑफ गरबा या डांसिंग क्वीन ऑफ नवरात्रि से कहते हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रेम भारतीय जी की, जो एक रिनाउंड सिंगर है, और हमारा जो पहला कल्चरल सॉन्ग था वो टिप्स म्यूजिक में रिलीज हुआ था। तो मैं बेहद एक्साइटेड इसलिए हूँ प्रेम, क्योंकि इस बार हमें गरबा रमने का मौका मिला और हमने डांडिया मिस किया, तो अभी आपको वादा भी करना है कि अगला सॉन्ग डांडिया भी हम बहुत जल्द देंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, और धन्यवाद तो मैं पहले आपका भी करूंगा। एक्चुअली मैं बता दूं कि सिमरन जी को कभी भी मैं कॉल करता हूं तो मना नहीं करते कभी भी, और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करूंगा इस गाने में जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं चिराग परवीन पटेल एंड लखन सेन, जो हमारे सपोर्टर्स हैं लैक्मे वापी एंड नाइस ट्रैवल्स वेरोना फिल्म सिटी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे शूट करने के लिए बिल्कुल परमिशन दे दी और हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ। फिर हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, वो लोगों सॉन्ग्स में हैं ऑलरेडी, तो बस अच्छा लगा मुझे ये गाना एक्चुअली इनके साथ करके, और ये एक्चुअली मुझे भी करना था थोड़ी समय पहले ही, क्योंकि नवरात्रि अब परसों से शुरू हो रही है, तो मेरी इच्छा थी कि 10 दिन पहले करेंगे, बट कुछ लोकेशन की वजह से या फिर हमारे म्यूजिक की वजह से कुछ बन नहीं पा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी में जो काम करते हैं या तो बहुत फाड़ू होता है या तो फिर कुछ नहीं होता है, तो बहुत फाड़ू काम बना है जैसे कि आप सभी ने देखा है, तो बस मैं चाहूंगा अभी सिमरन जी आप कुछ बताएं। यस ऑफ कोर्स, बहुत बहुत अच्छा लगा, और इसकी खास बात ये थी कि प्रेम ने जिस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज किया था, क्योंकि हम दोनों के स्केड्यूल्स इतने टाइट थे कि बहुत मुश्किल था, लेकिन 6 घंटे में प्रेम ने जो धमाल दिखाया है और जिस वो खूबसूरत सेट्स वेरोना, वो मेरी वजह से नहीं हुआ, तो वो मेरी वजह से नहीं हुआ, वो एक्चुअली हमारे जो डीओपी हैं सुनील वाधवानी और हमारे जो डायरेक्टर हैं दुर्गेश थावानी, जिनका बॉलीवुड टच है, यस, और उन्होंने जो हमारे कोरियोग्राफर थे केविन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और जल्दी जल्दी मुझे भी नचाया इस गाने में। पहली बार नाचा हूँ उस गाने में, क्योंकि मेरे आज तक जितने भी ऑडियोस आए हैं, जो वीडियोस आए हैं, उसमें बैठ के मैंने गाया ही है, और पहली बार मैंने इतना मैंने सिखाया प्रेम को गरबा, उन्होंने ही सिखाया मुझे। एक्चुअली मुझे आते हैं बट मैं कभी नाचा नहीं उस तरीके से वीडियो से, तो थैंक यू मुझे नचाने के लिए भी, थैंक्स टू यू। अब बहुत बहुत खूबसूरती से नाचे हैं प्रेम। यस, मैं एक्चुअली सिंधी, बट एक्चुअली मैं गुजरात से ही हूँ, मैंने पहले भी गरबा क्लासेस किए हुए हैं और मैंने सिखाए हुए हैं, बट अभी जब से मैं सिंगिंग में आया तो फिर मैंने नाचना बंद कर दिया था, बट अभी वापस से इनको देख के मुझे शौक जागा है, तो वेरी नाइस, थैंक यू। या ये एक्चुअली हिंदी और गुजराती मिक्स है, तो इसीलिए इसे हम फ्यूजन ही कह सकेंगे, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदी गुजराती मिक्स हो रहा है, इससे पहले छोगाड़ा और ये सब गाने आ चुके हैं, बट इस साल कुछ ऐसा नया नहीं था, तो इसमें लिरिक्स भी मैंने ही खुद लिखे हैं, इसको कंपोज भी मैंने खुद किया है, और इसमें सिंगिंग भी मैंने खुद की है, और इसमें जो हमें प्रोग्रामिंग दी है वो जिमी देसाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका स्टूडियो है सूरत में, वहीं पे हमने किया है पूरा, और जल्द से जल्द बस अभी रिलीज करने का हम बता देंगे कब। बिल्कुल, प्रेम जी कह रहे हैं कि कल ही करें रिलीज, लेकिन परसों तक डेफिनेटली करेंगे। 16th को इसका बड़ा उद्घाटन है, जो प्रेम जी के गुरु आ रहे हैं वहाँ पे करने, प्रेम की बहुत खूबसूरत नवरात्रि सेलिब्रेशन हो रही है या उसके बारे में बता दूं। में रास रसिया गरबा नाइट्स हो रहा है 15-24 अक्टूबर वापी मुक्तानंद मार्ग, और वापी का सबसे बड़ा नवरात्रि हो रहा है, तो जो भी लोग वापी से देख रहे हैं तो आप जरूर वहाँ पधारें, और बुक माई शो पे भी टिकट अवेलेबल हैं, और बस चाहूंगा कि आप आओ तो और माता जी को मनाएं, क्योंकि ये 10 दिन हम माता रानी के लिए रखते हैं और ये 10 दिन हम माता रानी को मनाएंगे, खूब जैसे गणपति मनाते हैं हम यहाँ महाराष्ट्र में, वैसे हम गुजरात में माता रानी को मनाते हैं, तो इस बार जितने भी वापी की जनता है आप जरूर आना मुक्तानंद मार्ग में वापी रास रसिया गरबा नाइट्स में। सिमरन जी से मेरा बहुत सालों से हमने काम किया है पहले भी, और वापी में मेरा एक कार्निवल हुआ था, तब से मेरा पहला शो हुआ था शायद हमारा जी, तो उसके बाद फिर हमने कंटिन्यूस रखा, फिर लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे फेसबुक शोज किए, यूट्यूब शोज किए, उसमें मेरे एंकर रह चुके हैं ये, और मैंने जितने भी गाने बनाए, और उनका एक था कि एक सिंधी छेज बनाना है प्रेम, कल्चर सॉन्ग था, तो मैंने बनाई, और फिर वो हमने बहुत ही अच्छी स्केल पे शूट किया और टिप्स में हमने रिलीज किया था,
उसका इनोग्रेशन भी हमने इसी होटल में किया था, खाओ जी। पियो। मैं चाहूंगा भरत सर के लिए भी मैं बता दूं कि इनके जो ऑनर है खाओ पियो रेस्टोरेंट की, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने ही मुझे आज कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेरी तरफ से रख सकते हैं। तो भरत सर को भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने मुझे ये प्लेस दिया यूज करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू भरत सर। शूटिंग की बात करें तो याद बताइए, मेमोरी की याद हो। शूटिंग में सर ऐसा था कि हमें लोकेशन में पहुंचना था 1 बजे, लेकिन हम लेट हो गए। हम पहुंचे 2 बजे, 2-3 बजे, और हमारी शूटिंग स्टार्ट होनी थी 2 बजे, पर हमारी शुरू हुई 4 बजे, और रात को 1:30 बजे तक हमने वहां पे नॉनस्टॉप गरबा किया है, और अलग अलग सेट्स पे गए, अलग अलग कॉस्ट्यूम किए हैं। वो कैसे किए, कैसे हुआ, वो ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि हमें भी कुछ पता नहीं चला। जैसे ही पैकअप हुआ फिर थकावट हुई हमें, बाकी हमें थकावट नहीं हुई। बाकी फनी मोमेंट्स तो बहुत कुछ हुए वहाँ पे, वो बिहाइंड द सीन्स में मैंने रखे हैं ऑलरेडी, तो वो देख सकते हैं लोग। जी जरूर, मुझे आपने मोमेंट कहा ना, तो मुझे ये जरूर कहना है कि जो हमारा पहला गाना था, जो हमारा छेड़ सॉन्ग था, मतलब मैंने ऐसे एक्सपीरियंस पूरे लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि इतनी ठंड, January 28th डेट थी, मेरी दोनों फ्लाइट्स यहाँ से बुज कैंसिल हो गए, तो मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाकर 11 घंटे ट्रैवल करके कार में नॉनस्टॉप हमने शूट किया सुबह 4 बजे तक। और मैं जब शूट कर रही थी ना, तो शूट के टाइम तो मैं नाच रही हूँ, क्योंकि मेरा प्यार है, कल्चरल सॉन्ग्स मेरी मोहब्बत है। और लेकिन जब जैसे ही कट हो जाता है, ऐसे से ब्रीथ कर रही थी, इतनी ठंड, क्योंकि हमारे 100 डांसर्स थे वहाँ पे, और ये सब तो गुजरात के हैं, इन्हें तो ठंड की आदत है। मैं मुंबई की, उधर जाके तो पूछो ही नहीं, मेरा तो ऐसा हाल, मैं वो कभी पल नहीं भूल सकती हूँ। उस शूट से जो 100 के 100 जो हमारे डांसर्स थे, और पूरी टीम, 150 की पूरी टीम थी, 50 पूरे हमारे टीम के थे, सारे के सारे बीमार हो गए। और 2 बजे रात को हमने ऐसी ऐसी ठंड में, इन्होंने ऐसे ऐसे गाने करवाए ना मुझसे, तो इस बार तो मुझे एकदम, मतलब एकदम फेरी टेल जैसे लगा, मतलब आई वाज ट्रीटेड एज अ क्वीन, क्योंकि सिर्फ 12:15 बजे, 1 बजे खत्म हो गया गाना, बस हो गया। क्योंकि जो उस टाइम था, उन्होंने कहा सोना ही नहीं है, 4 बजे तक शूटिंग है, फिर सुबह उठकर फिर मैं सीधा गाड़ी लेके अहमदाबाद आई, क्योंकि मेरा यहाँ पे शो था, 2 बजे मुझे यहाँ पे पहुंचना था, 2:30 बजे का मेरा शो था यहाँ पर, तो 1 सेकंड भी हम सोए, तो वो बहुत ही खूबसूरत सा पल था। लेकिन जो उसका आउटपुट था बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर टिप्स म्यूजिक पर गाना रिलीज हो, हमें और क्या चाहिए। तो गरबा की ये खास बात है, क्योंकि मेरा सोलफुल कनेक्ट है राज गरबा से, और मैंने राइड फ्रॉम गाड़ियाँ, कार, बाइक से लेके यूरोप ट्रिप्स जीते हैं गरबा में, तो मेरी बहुत ही मेरा डिवाइन कनेक्शन है विद गरबा। मुझे लगता है मैं राधा हूँ एंड आई एम डांसिंग विद माय कृष्णा। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी मुझे जानते हैं कॉम्पिटिटर्स, आई एम दी ओनली नॉन गुजराती जिन्होंने 18 साल खेला है, और ऑल 18 ईयर्स मैं जीती हूँ। तो हमें तो ऑफकोर्स बचपन में तो बिल्कुल अलाव नहीं था बाहर जाना, लेकिन जैसे ही मुझे फ्रेंड्स का एक्सपोजर मिला, तो मुझे इतनी मोहब्बत हो गई ना इस डांस फॉर्म से। और मुझे लगता है ये माता रानी की इतनी कृपा होती है कि पूरे 10 दिन, दशहरे का दिन फाइनल होता है, जो हमारा किंग और क्वीन का टाइटल होता है, जो प्रेम के नवरात्रि में भी वापी में हो रहा है, तो उस दिन हम सिर्फ कॉम्पिटिटर्स खेलते हैं और हमें किंग और क्वीन का किताब मिलता है। तो वो जब मैंने 2011 में अमेरिका में थी, तो वहाँ पे खेला तो जीता, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब पैंडमिक का समय आया, तो ऑफकोर्स मैं एज अ जज जाती हूँ, एज अ चीफ गेस्ट जाती हूँ सब जगह जज करने के लिए, तो इसमें भी बड़ा मजा आता है। लेकिन मेरा जो संबंध है ना, जो प्यार है इसके प्रति, क्योंकि पहली किताब 9 नाइट्स नवरात्रि मैंने लिखी है नवरात्रि पर, जिसके लिए BBC लंदन ने बुलाया था इंटरव्यू पर, और मैं अभी 1 महीने पहले टाइम स्क्वायर पे गरबा परफॉर्म करके आई हूँ लाखों लोगों के सामने, और अब जा रही हूँ साउथ अमेरिका में, जहाँ हमारे प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है मुझे ग्वातेमाला गरबा नाचने के लिए। सो प्रेम ने मुझे गरबा गाना दिया, ये मेरे लिए, मतलब इससे खूबसूरत कोई बात हो ही नहीं सकती है मेरे लिए प्रेम, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है, मेरा दिल धक धक करता है, और मैं यूजली फास्टिंग भी करती हूँ नवरात्रि के दिनों में, बस वो माता रानी की कृपा से हो जाता है। वैसे तो रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, 24/7 खाना चलता रहता है, लेकिन माता रानी की कृपा से बहुत मजा आता है। भले मैं ट्रैवल भी करूँ, तो इन 10 दिनों में ना मैं अलग ही रहती हूँ, और मैं कभी भी शोज होस्ट नहीं करती हूँ नवरात्रि में। पहले तो ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन के लिए थी, और अब जज करने के लिए जाती हूँ, और एज अ चीफ गेस्ट जाती हूँ। सो प्रेम, दिस इज द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर मी, थैंक यू। नहीं, मुझे थैंक यू कहना चाहिए एक्चुअली चिराग परवीन पटेल और लखन सेन, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं। मैंने एक्चुअली उनको कहा था कि मुझे गाना बनाना है, और उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया,
और उन्होंने कहा कि आप गाना बनाएं, हम आपके साथ हैं। तो थैंक यू चिराग सर एंड लखन सर, गाना बन चुका है, अब आप भी एंजॉय करेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे, 10 दिन तो हम साथ में ही हैं। चिराग सर, लखन सर एंड आइडिया फाउंडेशन, थैंक यू एंड थैंक यू लैक्मे, जो हमारे ऑफिशियल मेकअप पार्टनर्स भी हैं एट द सेम टाइम प्रेजेंटर्स, वन ऑफ द प्रेजेंटर्स, एंड ऑफ कोर्स ये हमारी फेवरेट जगह है खाओ पियो, जहाँ हमारा सारा सिंधी क्विजीन हमें बहुत ओरिजिनल तरीके से मिलता है। तो एक बार फिर से हम आपको इनवाइट करना चाहेंगे प्रॉपर मील के लिए, अभी तो है ही ऑफ कोर्स हम खाएंगे ही, लेकिन उसके बाद भी सर एल्बम का नाम है बजा बजा डोल बजा, और एक तो तीन कंपनीज, एक तो पीबी म्यूजिक पे रिलीज हो रहा है, तीन कंपनीज है, पर जब तक अग्रीमेंट साइन नहीं हो तो मैं चाहूंगी कि आपको ये कल दे दे, क्योंकि इनका जो एक्चुअल एंड गाना है इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जो हमने अभी नहीं देखा, प्रेम ने बहुत ही इसके गानों में ना ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डालते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये फुल फ्लेज सोचते हैं, मुझे लगता है आप डायरेक्टर ही बन जाओ, अभी आपको फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। नहीं, मैं सिंगर ही अच्छा हूँ। अच्छा, लेकिन इतना अच्छा आपका डायरेक्शन सेंस है, तो उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल वीडियो भी भेजेंगे लिंक, और उसके साथ साथ आपको बताएंगे भी टीजर पोस्टर, एंड इसके साथ साथ बताएंगे कि कहाँ पर कौन से चैनल्स पर, अदर चैनल्स पर रिलीज हो रहा है, बट मुझे ऐसा चैनल चाहिए जहाँ पर हम हमेशा चला सकें उस सॉन्ग को, क्योंकि इस वजह से हमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि जब यूएस में भी चलाया तो मैंने गाना चलाया तो म्यूजिक कंपनी थी जहाँ पर हमें अलाउड था, तो वो सिर्फ मुझे क्लियर करना है कि जहाँ पर हम चला सकें, तो प्रेम जी ने सोचे हुए हैं, हमने 3-4 चैनल बातें चल रही है, तो डेफिनेटली आएगा, जो मेरी खुद की चैनल है यूट्यूब पे, यस पीबी म्यूजिक, जहाँ मैंने अभी तक सिंधी गाने और गुजराती गाने ही डाले, पर पहली बार मैं, ये पहला है ना गुजराती हिंदी मिक्स, हिंदी गुजराती हिंदी मिक्स पहला है, तो ये पहली बार आएगा मेरी चैनल पे हिंदी, तो हाँ वहाँ तो आप देख सकते हो, और बाकी की जो भी, और बाकी कल ही पता चलेगा आपको, और बड़ा चैनल है इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी एज ऑलवेज। सो आप इस गाने के कुछ बोल गुनगुना सकते हैं? बिल्कुल, यस, खुद सिंगिंग किया है? यस, खुद सिंगिंग किया है, बिल्कुल। आई गरबे की रात गोरी नाच मेरे साथ, जरा ठुमका लगा के गोरी नाच रे, अभी नवली नवरात सोरी नाच मारी साथ, मने तारा सिवा कोई ना देखाए रे, ए बजा 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 ढोल बजा। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। पहले ही बताया आपको कि भरत सर से मेरा बहुत पहले से ही, हम जानते हैं एक दूसरे को, और कभी भी मेरा कुछ भी इवेंट वगैरह है, कुछ भी होता है, तो हम यहाँ इनको जरूर फोन करते हैं, मैंने फोन किया और उन्होंने मुझे प्लेस दे दिया, तो थैंक यू सो मच भरत सर। खाओ पियो रेस्टोरेंट के बारे में कुछ आप बताओ ना, सिर्फ हमें बताएं क्या? पहली बात तो आपने कहा था कि माता रानी के गाना है, बिल्कुल, और हम सब माता रानी के भक्त हैं, और ये तो अभी नवरात्रा का सीजन होगा, तो माता रानी के लिए कोई भी चीज़ होती है जिसको मना नहीं कर सकते हम, और खाओ पियो है ही उसी के लिए, ये सबके लिए है, जिनको भी खाने पीने का शौक है वो यहाँ पे एक ही जगह है पूरे बॉम्बे में, जहाँ पे आपको सब टाइम सब कुजींस मिलती है खाने की। कुजींस में मैं आपको बता दूँ, जैसे सिर्फ हम इंडियन कुजीन की और अगर बात करें, तो इंडियन कुजीन में सबसे पहले बॉम्बे में हमारा वड़ा पाव, पाव भाजी, छोले भटूरे, चाट, पानी पूरी, समोसा चाट, ये सब बहुत फेमस होती है, तो हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद साउथ इंडियन आ गया, इडली डोसा वो सब भी यहाँ मिलता है, फिर नॉर्थ इंडियन आ गया वो पूरा भी यहाँ मिलता है, फिर हमारा सिंधी कुजीन, सिंस हम खुद सिंधी है और अपनी भाषा से बहुत प्यार करते हैं, अपने खाने से हर चीज़ से बहुत प्यार करते हैं, तो हमारा पूरा सिंधी खाना यहाँ मिलता है। जैसे कि हमारे सिंधी खाने बहुत फेमस है, दाल पकवान है, कोकी है, करी चावल है, सिर्फ सिंधी नहीं सभी लोग खाते हैं, और ये पूरा टाइम यहाँ पे मिलता है, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। और इसके अलावा ये तो हो गया हमारे सब इंडियन कुजींस और सिंधी कुजीन, इसके अलावा हमारे पास चाइनीज़ कुजीन, इटालियन, कॉन्टीनेंटल, मलेशियन, थाई, अरेबिक, ऐसे सब टाइप के कुजींस मिलते हैं, इसलिए हमारी एक पंच लाइन है कि जो भी चाहो यहाँ खाओ। इट्स अ प्योर वेज सर, और ये ऐसा है कि इसमें ये भी चीज़ें थी कि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है हमारे पास नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, बिल्कुल अलग किचन के साथ, जो प्योर वेजिटेरियन जैन है, राधा स्वामी लोग हैं, उनके लिए हमने जगह ही अलग की है। अब खाना पीना खाओ पियो मतलब हर किसी को अपने अपने खाने पीने चाहिए,
जिनको नॉनवेज चाहिए उनके लिए हमने अलग सेक्शन बनाया विद डिफरेंट किचन, तो किसी को भी नाराजगी नहीं हुई कि अरे यहाँ तो यही मिलता है यहाँ नहीं मिलता। जब हम कहते हैं जो भी चाहो यहाँ खाओ तो हर चीज़ आपको मिलेगी और हर चीज़ अपनी सभ्यता से मिलेगी। जैसे वेज वाले नॉनवेज में नहीं जाते हैं, तो इसके लिए हमने फ्लोर ही अलग कर दिया है। ग्राउंड फ्लोर इज प्योर वेजिटेरियन एंड अबाउ ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे जिनको नॉनवेज वालों के साथ बैठना है नॉनवेज खा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं और दोनों के किचन बिल्कुल अलग अलग हैं। ये हमारे खाओ अब अगर प्राइस पे प्राइस रीजनेबल।